उनको कहीं देखा गया? ये तो वही एमपी है ना जो कुर्ता पजामा पहनते हैं और मोटरबाइक पर असेंबली जाते हैं। इनका क्या करना है? मारना इनको, बहरूपिया एक नंबर का, लोगों को दिखाने के लिए कुर्ता पजामा पहनता है और मोटर बाइक पर असेंबली जाता है। मेरा दिल नहीं मानता। आज के पॉलिटिशियन बहुत बड़े एक्टर होते हैं अफजल साहब, जब चाहते हैं हंसा देते हैं, जब चाहते हैं रुला देते हैं। कौम का दर्द इतना है कि कई दफा दिखाई देने लगता है, लेकिन बाद में वो दर्द रियाया की चीखों में सुनाई देता है। इसके जहां से मैं बताइए, जो रुला सकता है वो इंप्रेस भी कर सकता है। इसकी परफॉर्मेंस यही खत्म नहीं होती। एमपी हॉस्टल में नहीं रहता, किराए का छोटा सा घर ले रखा है रहने के लिए, दो दो महीने का किराया नहीं देता और मालिक के मकान से नंगी गालियां सुनता है। तो फिर ऐसे आदमी को मारने का फायदा? असेंबली में कुत्तों की तरह भौंकता है, इज्जतदार मिनिस्टर से कहता है कि तुम लोग कौम का पैसा लूट रहे हो, गद्दार हो तुम लोग। हमारी रिपोर्ट है कि वो किसी के इशारे पे काम करता है। किसके इशारे पर? यूं समझ लो कि भौंकने और गालियां देने के डॉलर मिलते हैं इसको। डॉलर कहां रखता है? ये तो जब मरेगा तब पता चलेगा। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी का उस वक्त पता चलता है जब प्रॉपर्टी वारिसों में तकसीम की जाती है। ऐसे लोगों को इलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं। इस बैग में 2 करोड़ के नए नोट हैं, एकदम फ्रेश। डिमांड बस इतनी है कि लगे मारा नहीं मर गया है, और ऐसे लोगों के बारे में बहुत जल्दी यकीन हो जाता है कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे, इसलिए खुदकुशी कर ली होगी। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ इस कबूतर को मारने के लिए 2 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हो? कबूतर को मारने जा रहे हो? अरे है तो वो आदमी है, लेकिन है साला कबूतर। जकी भाई? हाँ। मेहमान आए? उन्हें बैठाओ, एक मिनट में मैं आता हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मेरे हलके से तो नहीं हैं। तो क्या हलके के सब लोगों को पहचानते हो? नाम से तो नहीं पहचानता, लेकिन शक्ल देखकर पहचान लेता हूँ। जी फरमाइए। मेरा नाम अफजल। जी अफजल साहब, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? ये ड्रामे बंद करो और सीधी सीधी तरह बताओ किसके लिए काम करते हो। मुझे काम करने ही कहाँ देते हैं? बात करूं तो रोक देते हैं, काम करूं रोक देते हैं। तुम अपनी बात करो, ये बताओ कि डॉलर कहाँ रखते हो और डॉलर लेकर असेंबली में किसके लिए बोलते हो? चाहो तो डॉलर्स भी ले सकता,
लेकिन रुपए की बेहुरमती से डर जाता। आप कौन हो? गाड़ी में बैठ। कहां ले जाएंगे? वापस भेज रहा हूं तुम्हें, हमारा टाइम खत्म। तो पहले आ जाते ना, घंटे भर से कपड़े धो रहा हूं, अब पहनेगा कौन? आइए चलिए आइए। रुको, बैठो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है। आप मेरी उम्र के आदमी को तुम कहकर पुकारोगे, मैं तो शर्म से मर जाऊंगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपना काम कीजिए, बदतमीजी ना कीजिए। एक बात बताऊं कि तुम जैसे सस्ते आदमी को मारने के लिए मुझे 2 करोड़ क्यों दे रहे हैं? बोलो। आप मुझे तुम कहकर बुलाओगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। चलिए मैं आपको तुम नहीं कहूं, बताइए कि वो आपको मार क्यों रहे और आप मरने से डर क्यों नहीं रहे? मैंने पॉलिटिक्स में एमए किया था, यूनिवर्सिटी में जोर देकर जमहूरियत के बारे में पढ़ाते थे। डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। बात दिल को लगी, इसलिए पॉलिटिक्स में आ गया। जोरदार तकरीरें करता था, लोगों को विजन देता था, इसलिए वो मेरे झांसे में आ गए और 54,000 वोटों की लीड से जितवाए उन्होंने मुझे। मैं अपने वादों और विजन का बोझ लेकर असेंबली पहुंचा तो 8वें दिन मुझे ये पता लगा कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन मैं पढ़कर आया हूं वो ठीक नहीं है। ठीक तो यह है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द फ्यूडल्स बाय द फ्यूडल्स एंड फॉर द फ्यूडल्स। असेंबली की पढ़ाई की डेफिनेशन कुछ और। बहरहाल ये आपके मतलब की बात नहीं है। आपको 2 करोड़ मिल गए, आप अपना काम कीजिए और ऐश कीजिए। मैं 2 करोड़ कमा भी लूं तो ऐश नहीं करता था किसी। तो फिर 2 करोड़ रुपए मेरे हलके के लोगों को जाकर दे आओ। खुदा की कसम आपके आने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा, आपका काम भी हो जाएगा और उनकी फांस भी निकल जाएगी, और इसी बहाने मेरे हलके के बेवकूफ लोगों का डर कुछ कम हो जाएगा। उन्हें डर के मारे मैं दुबक के यहां बैठा रहता हूं कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊं। गाड़ी में बैठिए। कहा ना गाड़ी में बैठिए। ये मेरे पीछे पीछे आ जाइए। बैठिए। दो करोड़ के नए नोट रखे हैं। यहां से मेरी गाड़ी में बैठकर अपने हलके में जाइए और ये 2 करोड़ रुपया उन बेवकूफों में तकसीम कर दीजिए जिन्होंने आपके विजन पर एतबार कर लिया।
और वहां से लौट कर आओ तो लंबी तान कर सकते, और ये सोचकर कल असेंबली में गरजते रहे कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई आपका बाल भी दिखा नहीं सकता। कौन है? मैं भी उन बेवकूफों में से एक हूं जो 67 साल से उस लीडर का इंतजार कर रहे हैं जो अपने कपड़े अपने हाथों से धोया करे। 2 महीने जब घर का किराया ना दे तो मालिक मकान की हाथ जोड़कर गालियां सुना करे। आज के बाद मिलो तो मुझे आप मत कहिए, अगर आप मुझे तुम कहकर बुलाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे इज्जत से पुकारा। ये बैग बहुत भारी है, आपसे उठाया नहीं जाएगा, इसीलिए किसी को आपके साथ भेज रहा हूं। ये बैग उठाकर हमारी किसी गाड़ी में रख दो और ड्राइवर से कहना कि इनके साथ रहे। Democracy is a rule of people, for the people, by the people. Thank you.